सांसद ने कही बड़ी बात, हम विधानसभा के दावेदार नहीं लेकिन मिलेगा टिकट तो लड़ूंगी। चुनाव आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सांसद श्रीमती रीति पाठक सीधी द्वारा प्रधानमंत्री एवं केंद्र सरकार की योजनाओं, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताई गई। साथ ही उन्होंने कहा कि हम टिकट की दावेदारी नहीं करूंगी, लेकिन यदि शीर्ष नेताओं द्वारा विधानसभा में हमें टिकट दिया जाएगा तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने विधायक सिंगरौली राम लल्लू के पुत्र के गोली कांड को लेकर भी कहा, सरकार अपना काम की है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आगे अन्य मुद्दों पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए जगन्नाथ द्विवेदी के साथ पूरी बातचीत। सांसद जी रही हैं, लगातार दो पंचवर्षीय बीतने वाला है, लेकिन आपके ऊपर किसी तरह का भ्रष्टाचार या अनर्गल का आरोप नहीं लगा है। महिलाओं के उत्थान के लिए हर तरह से प्रयास कर रही हैं, लेकिन एक जो चर्चाएं क्षेत्र में आ रही है कि आप भी विधानसभा के चुनाव के दावेदार हैं, चाहे सीधी या सिहावर, क्या कहेंगे? मैं आपको बहुत पारदर्शिता से कहना चाहती हूँ, आप सभी को अच्छी बात यह है कि आपने ये प्रश्न पूछ लिया। मैंने अभी तक स्वयं से, बल्कि चुनाव तक कभी भी किसी भी विधानसभा की दावेदारी न की है, न करूंगी। परंतु व्यक्ति से बड़ा दल है, दल से बड़ा राष्ट्र। मैं एक व्यक्ति हूं और एक कार्यकर्ता भी हूं अपने दल की। मेरे दल के माध्यम से जो भी निर्देश मुझे मिले, इसको अन्यथा ना लिया जाए, किसी चुनाव से ना जोड़ा जाए। मेरे दल के माध्यम से जो भी निर्देश मुझे मिलेंगे, मैं एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते उस निर्देश को निर्वहित करूंगी। धन्यवाद। मुख्यमंत्री नहीं मैडम, वहाँ दोनों जगह के अपराधों में अंतर है, अपराधों की प्रवृत्ति में अंतर। एक जगह वहाँ जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ 100-200 अपहरण करता है, गोली मारता है, तो वहाँ हम कश्मीर के अपराध में और मध्य प्रदेश के अपराध में तुलना करें एक जैसी बात नहीं। अब हम बार बार एक ही विषय बना कीजिए, नहीं तो फिर ये अन्यथा वो भी जाएगा। और पेशाब कांड कुबरी, प्लीज मैं घर गिरा गया, लेकिन गंभीर सवाल है, लेकिन आपके सिगरौली विधायक के गोली कांड के मामले में घर न गिरा जाना कितना उचित है? इनका प्रश्न इस तरह से भी है कि आदिवासियों के ऊपर अत्याचार की बात तो सिर्फ प्रवेश शुक्ला के द्वारा ही नहीं, जहाँ आपका देख रहे हैं रामलल्लू बैस का बेटा भी गोली मारता, वो भी अपराध है। दूसरा, आपने एक सुना होगा अमिलिया में एक आदिवासी को उल्टा लटका कर कुएं में मार डाला गया, तो इस तरह की बातें क्यों कि एक में एनएसए लगाया जाता है, घर गिराया जाता है, लेकिन दूसरे प्रकरण में इस तरह की बातें नहीं होती कि उनका भी घर गिराया जाए या कि एनएसए लगाया जाए, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उनको जो उनकी सजा बनती थी उनको सजा मिली है। अब घर गिराना नहीं गिराना ये नेतृत्व का विषय है और बाकी भी जहाँ तक प्लीज मुझे सुनिए, जहाँ तक आपकी पार्टी की जनसंघ की बात है, उसकी स्थापना बलराज मधोक जी ने की थी कि एक देश में दो कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपकी भारतीय जनता पार्टी भी इसी नारे के साथ आगे बढ़ी, फिर दो कानून क्यों? देखिए, उन्हें पर्याप्त सजा मिल चुकी है, और जिन्होंने गोली कांड किया वो जेल में, आप सब जानते हैं, और उस तरह से उनको पर्याप्त सजा मिल गई। बाकी तो देखिए, बड़े निर्णय उम्र से क्या होंगे, कितने होंगे, अब तो मैं पूछ कर ही बता पाऊंगी आप कि इसके आगे की क्या क्या नहीं है। मामला सिरौली विधायक जी का, जिनके पुत्र ने गोली कांड किया, इसके पहले भी कई घटनाएं कर चुकी, क्योंकि उस समय नहीं गिरफ्तार हुए थे, 10 दिन बाद गोली कांड के बाद गिरफ्तारी हुई, चुनावी वजह से गिरफ्तारी हुई, गोली कांड की वजह क्या मानती है? देखिए, वजह तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि वजह क्या है, पर कुछ ऐसी वारदात हुई है और आप सब ने देखा है कि उस पर एक्शन भी हुआ है। इससे चीजें सबको साफ साफ है, यहाँ पर कहीं भी कुछ दबाने या छुपाने वाले। सीधी पेशाब कांड में सीधे विधायक का नाम आ रहा था, उनके करीबी हैं, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया, आज बता दीजिए तो
मामला तो पुराना हो गया। मैं इस विषय पर नहीं बोलना चाहूँगी, जिस विषय पर सारे निर्णय हो चुके हैं।